खम्मागणी हुकम। आज हम ऐसी रानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे राजपुताना का सिर गर्व से ऊंचा किया है। जी हाँ, उस रानी का नाम है रानी पद्मावती, जो कि ना केवल अपने राज्य अपितु पूरे भारत में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। बात उस समय की है जब राजा रावल रतन सिंह रानी पद्मावती से विवाह कर उन्हें अपने महल में रानी बनाकर लाए थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी में दिल्ली के मुगल सल्तनत के आक्रमणकारियों की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। उन दिनों चित्तौड़ राजपूत राजा रावल रतन सिंह के शासन में था, जो एक बहादुर और साहसी योद्धा भी थे। एक प्रिय पति होने के साथ ही वे एक बेहतर शासक भी थे। इसके साथ ही रावल सिंह को कला में भी काफ़ी रुचि थी। उनके दरबार में काफ़ी बुद्धिमान लोग थे, उनमें से एक संगीतकार राघव चेतन भी था। ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी आज भी नहीं है कि राघव चेतन एक जादूगर भी थे। वे अपनी इस कला का उपयोग शत्रुओं को चकमा देने या अचंभित करने के लिए आपातकालीन समय में ही करते थे। लेकिन राघव सिंह के कारनामे सभी के सामने आने के बाद राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाले जाने का भी आदेश दिया और उनके चेहरे को काला कर उन्हें गधे पर बिठाकर राज्य में घुमाने का आदेश भी दिया था। इस घटना के बाद वे राजा के सबसे कट्टर दुश्मनों में शामिल हो गए थे। और इस घटना के बाद राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से जा मिला और उसने अलाउद्दीन को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया, तो अलाउद्दीन मन ही मन रानी पद्मावती को चाहने लगा था। इसके बाद अलाउद्दीन ने अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया ताकि वह रानी पद्मावती को हासिल कर सके। चित्तौड़ पहुंचते ही अलाउद्दीन खिलजी के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी, क्योंकि चित्तौड़ चारों तरफ से सुरक्षित था। लेकिन वह रानी पद्मावती की सुंदरता को देखने का और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा रतन सिंह के लिए यह संदेश भेजा कि वह रानी पद्मावती को बहन मानते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। रानी ने अलाउद्दीन को अपने प्रतिबिंब को आईने में देखने की मंजूरी दे दी। जैसे ही अलाउद्दीन ने पद्मावती का प्रतिबिंब आईने में देखा, वह और भी ज़्यादा मोहित हो गया और उसने रावल रतन सिंह को धोखे से कैद कर लिया और रावल रतन सिंह के बदले में पद्मावती की मांग करने लगा। इस बात का पता चौहान राजपूत गौरा और बादल को लगा, तो उन्होंने खिलजी को उसी के खेल में पराजित करने की ठानी और कहा कि अगली सुबह उन्हें रानी पद्मावती दे दी जाएगी। लेकिन रानी पद्मावती के साथ उन्हें विदा करने उनकी 100 सखियाँ भी आएगी और शर्त रखी कि उनकी पालकियों को वहीं रोका जाए जहां राजा रावल को बंदी बनाकर रखा गया है। इस शर्त को खिलजी ने स्वीकार कर लिया। जैसे ही 100 पालकियाँ खिलजी के डेरे पर पहुँची और उनमें से सखियाँ निकलने के बजाय सैनिक निकले, तो सब अचंभित रह गए और गौरा और बादल ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अलाउद्दीन के डेरों पर आक्रमण कर दिया और रावल रतन सिंह को सुरक्षित रूप से महल में पहुंचा दिया गया। इस बात से खिलजी आग बबूला हो गया और उसने तुरंत चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और रावल रतन सिंह और उनकी सेना ने बड़ी वीरता से युद्ध में खिलजी का सामना किया। रानी पद्मावती ने देखा कि उनकी सेना का सामना विशाल सेना से हो रहा है और तभी उन्होंने चित्तौड़ की सभी महिलाओं के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। इस तरह खुद का जौहर कर उन्होंने देह त्याग कर दिया, जिसमें एक विशाल अग्निकुंड में चित्तौड़ की सभी महिलाएं खुशी से मंगल गीत गाते हुए कूद गई। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जय राजपुताना, जय हिंद।